हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशाज क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। जो भी मेरे फ्रेंड्स गार्डनिंग के शौकीन हैं, उनको एनपीके का नाम तो सुना होगा। और एनपीके हमारे पौधों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें होने वाले डिसीज़ेस को ख़त्म करने के लिए, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे रंग के लिए और सुंदर पत्तियों के लिए। एनपीके को हमें रेगुलर यूज़ करना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हमारे किचन वेस्ट से निकले हुए जो सामान होते हैं, किस सामान से, किस वेस्ट से हम एनपीके घर पर ही बना करके रख सकते हैं और अपने पौधों में उसका रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप उसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके पौधों का कलर तो अच्छा आएगा ही, फूलों का रंग गहरा होगा, सारी बीमारियों से, सारी प्रॉब्लम से पौधे बचे रहेंगे। बहुत सारी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पौधों में, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उसका रेगुलर यूज़ करते रहेंगे। और बनाना भी बहुत आसान है और सभी सामान हमारे घर के किचन वेस्ट में से ही मिल जाता है। तो क्या चीज़ें हैं, चलिए दिखा देती हूँ आपको, और कैसे बनाना है वो भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरे किचन में से निकला हुआ कुछ वेस्ट, जिसको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, हमेशा अपने पौधों की अच्छी हेल्थ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और क्या चीज़ें हैं और जो हमें कभी नहीं फेंकनी चाहिए और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती के अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ये चाय की पत्ती वो चाय की पत्ती है जो हम चाय बनाने के बाद में उबली हुई चाय की पत्ती जो होती है उसको हम फेंक दिया करते हैं। तो मैं कभी भी उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको हमेशा जब चाय बना करके आप छान लेते हैं तो उस चाय की पत्ती को आप हमेशा पानी के अंदर अच्छे से 3 से 4 बार धो लें, और वॉश करने के बाद में उसको 3 से 4 दिन धूप में सुखा लें। आजकल तो धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये 2-3 दिन में ही अच्छे से सूख जाती है, और इसको आप स्टोर करके रख लीजिए। तो मैंने क्या किया है, ये चाय की पत्ती को लिया है धो करके और धूप में सुखा लिया है। तो ये हमारा नाइट्रोजन का काम करेगा। और इसके बाद में ये हैं केले के छिलके। जी हाँ, जो केले के छिलके हम फेंक दिया करते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है, तो हमें अपने पौधों में केलों के छिलकों का बहुत अच्छे से प्रयोग, बहुत अच्छा प्रयोग होता है, जो कि कभी नहीं फेंकना चाहिए। तो करना क्या है, जैसे कि ये केले के छिलके हैं अक्सर हम लोग फेंक दिया करते हैं, तो इनको कुछ नहीं करना है, इनको धूप में सुखा लेना है, और धूप में सुखा करके अच्छा सा पाउडर बना करके रख लेना है मिक्सर ग्राइंडर में। मिक्सर ग्राइंडर में आप इसका पाउडर बना करके रख लीजिए, और कुछ कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कुछ कुछ थोड़ी सी पत्तियां अगर रह भी जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको सुखा लें 3 से 4 दिन और फिर पाउडर बना करके रख लें। मैंने किसी वीडियो में आपके साथ में शेयर भी किया था कि किस तरीके से पाउडर बना करके रखना है, तो इसका पाउडर बना करके रख लें, तो ये हमारे पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होगा। अच्छा, तीसरा जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये नहीं है प्याज के छिलके, वो है एग शेल। जी हाँ, एग शेल यानी कि अंडे के छिलके। तो अंडे के छिलके जो होते हैं वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम लोग क्योंकि वेजिटेरियन हैं इसलिए मैं एग शेल या एग यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप लोग एग यूज़ करते हैं तो आप अंडे के जो छिलके होते हैं उनको भी पाउडर बना करके रख लीजिए, और फिर आपने एनपीके को अगर अपने प्लांट में डालना है तो 1 चम्मच इसका लीजिए। बनाना पील जो पाउडर बनाएंगे आप, 1 चम्मच इसका लेंगे, 1 चम्मच सूखी चाय की पत्ती और 1 चम्मच एग शेल का। तो इन तीनों को आप मिक्स करके हर 15 दिन में अपने पौधों में, मिट्टी में, जैसे ये पौधों की मिट्टी है तो इसके अंदर 1-1 चम्मच हर पौधे के मतलब गमले में आप डालते रहें। तो क्या होगा कि आपके पौधे हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे और पौधों में होने वाले डिजीजेस से भी बचे रहेंगे पौधे। अच्छा, साथ ही एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग एग वगैरह नहीं खाते हैं मेरी तरह, तो वो क्या करें, तो उनके लिए भी ये है तरीका कि जो लोग एग वगैरह नहीं खाते हैं वो ये प्याज के छिलके जो होते हैं, प्याज के छिलके ये वाले जो
इस टाइप के, इनको भी थोड़ा धूप में सुखा लें। इस सारे सामान को आप धूप में सुखा लीजिए जो भी किचन वेस्ट है, और इसको इनको सबको एक साथ आप पाउडर बना करके एक डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। और रखने के बाद में आप इसको हर 15 दिन में एक दिन एक एक चम्मच आप सभी पौधों में अपने दे सकते हैं, तो पौधों की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो यही था आज का आपका ऑर्गेनिक घरेलू एनपीके, जो कि जिसमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और बहुत अच्छे से आसानी से घर पर बन सकता है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।